هاكر 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 يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هاكر. बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो यार फिलहाल करंट रैंक अपना 2000 के आसपास है और रैंड काउंटर के लिए भी अपने को आई गेस 250 के आसपास पॉइंट्स और लगने वाले हैं। बाकी यार सीजन जो अपना 21 मार्च से खत्म होने वाला है तो अभी भी अपने पास मतलब 7-8 दिन और बचे हैं, तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं, ईजी अपना काउंटर लग जाएगा। तो यार आज के गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक कमाल का गेमिंग स्क्रीन रिकॉर्डर। तो एक स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको चाहिए क्या, गेम लैग ना करे, बढ़िया 60 FPS में रिकॉर्डिंग हो और आप इन गेम साउंड भी रिकॉर्ड कर पाओ। तो यार ये सारी चीजें आपको देता है ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर। ये रिकॉर्डर आपके 2GB या 3GB रैम वाले डिवाइसेज में भी काफी अच्छे से वर्क करेगा। तो इसके अंदर आपको दो रिकॉर्डिंग मोड्स मिल जाते हैं, एक है अपना रीप्ले मोड और दूसरा अपना स्टैंडर्ड मोड। रीप्ले मोड में आप लास्ट 60 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर सकते हो ताकि आपको पूरा गेम प्ले रिकॉर्ड ना करना पड़े। जैसे कोई स्पेशल मोमेंट होता है गेम में तो आप उसको रीप्ले मोड में रिकॉर्ड कर लो। और दूसरा है स्टैंडर्ड मोड जहाँ पे आप फुल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और यार इसका सबसे ज्यादा खास फीचर है फ्री क्लाउड स्टोरेज, मतलब आप अपनी क्लिप्स को क्लाउड में स्टोर कर सकते हो, तो स्टोरेज की तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो आप लिंक यूज करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यार आज के ये वाले गेम प्ले की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या सीन था, मैं जोन के अंदर ये वाले शैक के लिए आता हूँ, लेकिन यार ये वाले शैक पे तो भी एक और बंदा भी बग्गी लेके रुक जाता है। अब यार यहाँ पे ये वाले अपार्टमेंट में आके मैं रुक जाता हूँ। बाहर वाली साइड पे पहले से एक गाड़ी थी, लेकिन अभी अपने आसपास से मेरे को किसी भी और बंदे का साउंड आ नहीं रहा था। तो एक बार यहाँ पे मैं नेट पिन करके चेक करता हूँ कि यार कोई बंदा अपने को साउंड देता है या नहीं, लेकिन अभी मेरे को किसी बंदे का यहाँ पे साउंड आता नहीं है। तो यार अभी तक भी सामने वाले बंदे ने अपने को कोई साउंड तो दिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंने बंदे को नेट से फिनिश कर दिया। तो यार एक्चुअली यहाँ पे एक मैंने रैंडम नेट ट्राई किया था, क्योंकि यार कभी भी अगर अपार्टमेंट वाला जोन लास्ट में बन जाता है तो यार मैं खुद भी यही जगह पे एकदम आराम से कैंप करता हूँ, सामने वाले बंदे को बिल्कुल भी साउंड नहीं देता हूँ। क्योंकि यार अपार्टमेंट में मोस्टली बंदों का ये माइंड सेट रहता है कि यार बंदा जो ऊपर वाली साइड पे कहीं पे होल्ड कर रहा होगा। ये वाला बंदा भी यहाँ पे वॉल पे अपने को गाली का तो पता नहीं, लेकिन यार ये बंदा 100% अपने को रिपोर्ट करके तो गया होगा, क्योंकि अगर ऐसे कोई बंदा मेरे को भी नेट से मार के जाता तो यार मेरे को भी सामने वाला बंदा गलत ही लगता और मैं भी उस बंदे को रिपोर्ट करता। फिलहाल अभी के लिए इसके बाद वाला जोन भी लकीली अपने ऊपर ही बन गया था, लेकिन अभी लेफ्ट साइड से एक मेरे को नेट का साउंड आता है। तो अभी एक बंदा तो मेरे को होता था सामने रेड वाली बिल्डिंग में। तो ये वाला बंदा एकदम ओपन में लेट रखा था, इजी बंदे को फिनिश कर दिया। अब यार यहाँ पे दो गाड़ियाँ एक साथ में अपने कंपाउंड के नीचे आके रुक जाती है, लेकिन अभी मेन फोकस मेरा सामने रेड बिल्डिंग वाले बंदे पे था, क्योंकि वो वाले बंदे को जोन के अंदर आना था। तो यार ये वाले बंदे को भी यहाँ पे एकदम इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए मेरे को छोड़ के सिर्फ यहाँ पे दो बंदे और लाइव थे, तो एक बंदा तो अपने नीचे वाली साइड पे कहीं पे था और तभी दूसरे बंदे का साउंड अभी अपने राइट साइड वाले बिल्डिंग से अपने को आ जाता है। अब यार यहाँ पे ये वाले बंदे पे नेड करने का ट्राई कर रहा था, उतने में सामने वाला बंदा भी अपने पे एक मॉली करता है, तो नेड से तो बंदा फिलहाल के लिए फिनिश हुआ नहीं था, लेकिन उतने में जो लेफ्ट साइड में दूसरा बंदा था वो बंदा भी ये बंदे की साइड पे क्लोज इन कर देता है। और यहाँ पे जैसे ही बाकी दोनों बंदों की फाइट होती है तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था दूसरा बंदा पहले से ही लो होगा। बाकी ये वाले गेम में अपने को एक इजी चिकन रैंक 24 का प्लस मिल गया था। तो अभी यार चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले पे।
तो अभी के लिए ये वाला कंपाउंड एकदम जोन के सेंटर पे था, यहीं पे आके मैं रुक जाता हूँ। लेकिन मेरे को पता था सामने वाले कंपाउंड में पहले से एक बंदा है, क्योंकि ये बंदे ने अपने ऊपर शॉर्ट्स भी लिए थे। तो यार यहाँ पे मैं भी सामने वाले बंदे पे काफ़ी नेड वगैरह ट्राई करता हूँ। सामने वाला बंदा भी अपने पे नेड मोली ट्राई कर रहा था, लेकिन ज़्यादा कुछ खास फ़ायदा अपने को होता नहीं है। लेकिन यार जो उसके बाद वाला जोन था भी सामने वाले बंदे से शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा मेरा जो कंपाउंड था अभी भी जोन के अंदर ही था। अब यार यहाँ पे मेरे को आइडिया था कि बंदा सामने वाली खिड़की पे आके अपने पे शॉट्स लेने का ट्राई कर सकता है, तो साउंड के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा एडवांस में प्री फायर करता हूँ। यार बंदा इजी फिनिश भी हो जाता है। अब यार यहाँ पे अपने राइट साइड में नीचे काफ़ी क्लोज एक बंदा UMP भी चला रहा था, लेकिन अपने पास अभी नेड वेड कुछ था नहीं, तो ज़्यादा यहाँ पे बाहर वाली साइड पे जाने का रिस्क मैं लेता नहीं हूँ। लेकिन यार इसके बाद ये वाला बंदा अपने पे एक नेड ट्राई करता है, और अच्छा खासा ही बंदे ने अपने को नेड से डैमेज दे दिया था। तो यहाँ पे मेरे को पता था एक और नेड भी आ सकता है, तो मैं बाहर वाली साइड पे आके जल्दी से हील करता हूँ। लेकिन अभी ये जो बंदा था अपनी बग्गी लेके जोन की साइड निकल जाता है। तो ये वाले बंदे को भी एकदम इजी यहाँ पे बग्गी से गिरा दिया। फिलहाल के लिए मेरे को छोड़ के दो बंदे और लाइव थे, और अभी यहाँ पे सामने वाली साइड पे स्मोक वगैरह भी हो रखा था, तो एक बंदे की लोकेशन का तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। तो मैं सोचा पहले जल्दी से जोन के अंदर मैं चल लेता हूँ। अब यार ये वाले बंदे को भी अच्छा खासा डैमेज कर दिया, तो यहाँ पे मैं सोच रहा था डायरेक्ट रश करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार उतने में ये बंदा खुद पे नेड कर लेता है, या पता नहीं भाई क्या सीन होता है। तो ये वाले गेम में अपने को 29 का प्लस मिल गया था। तो यार चल लेते हैं आज के अपने लास्ट गेम प्ले पे। तो यार ये वाला गेम तो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो यार अभी यहाँ पे जस्ट मैं जोन के अंदर आया था, उतने पीछे साइड से एक मेरे को बाइक का साउंड आता है, तो बाइक वाले बंदे को तो एकदम ईजी यहाँ पे गिरा दिया। फिलहाल अभी के लिए इसके बाद वाला जोन में बंदे का वेट कर रहा था, तो यहीं पे एकदम जोन के HP में अपनी बग्गी घुमा रहा था, उतने में पीछे वाली साइड से एक और मेरे को डासिया का साउंड आता है। तो यार ये बंदा तो यहाँ पे जोन के बाहर से ही आ रहा था, तो आई गेस पहले से थोड़ा बहुत डैमेज था, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मौका बंदे को सामने वाले को मिला नहीं। फिलहाल अभी इसके बाद वाला जोन भी बन गया था, तो अभी डायरेक्ट मैं जोन के सेंटर वाली साइड में आ जाता हूँ। तो अभी के लिए ये वाला शेक मेरे को जोन के अंदर खाली मिल जाता है, तो अभी के लिए गेम पे आराम से होल्ड करते हैं। बाकी यार ये वाले गेम में अपने पास था K98+8X, और जितने भी अभी ओपन में बंदे थे उनको तो काफ़ी यहाँ पे मैं दिक्कत दे सकता था। अब यार ये वाले बंदे को दो बॉडी शॉट तो पड़ गए थे, लेकिन बंदे की किस्मत अच्छी थी, बंदा यहाँ पे बच जाता है। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन बनने का वेट करता हूँ, लकीली ये वाला जोन भी अभी अपने ऊपर ही बन गया था। तो यार ये वाले बंदे को भी एकदम इजी हेडशॉट मार के K98 से फिनिश कर दिया। फिलहाल अभी सामने वाली साइड से मेरे को एक और बग्गी का साउंड आता है, तो ये वाला बंदा मेरे को लग रहा था सामने साइड पे रुक सकता है, लेकिन पहले ये बंदा भी आगे वाली साइड को जाता है, लेकिन घूम के वापस अभी ये बंदा सामने वाली साइड पे आने वाला है, और अभी सामने वाली साइड पे आके ये वाला बंदा रुक जाएगा।
अब यार यहाँ पे क्या सीन होता है, जिस बग्गी वाले बंदे पे मैं शॉट लेने का ट्राई कर रहा था, उसको सामने साइड पे जो एक पहले बंदा रुका था वाला बंदा फिनिश कर देता है। तो पहले मैं सोचा था आगे जाके इस बंदे पे शॉट लेने का ट्राई करते हैं, लेकिन इसके बाद यार अभी भी काफी ज्यादा बंदे अलाइव थे, तो ज्यादा ओपन में जाने का रिस्क मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि अभी यार यहाँ पे अपने को जोन के अंदर भी निकलना ही था। फिर अभी के लिए जोन के अंदर यहाँ पे मैं आ चुका था, लेकिन अभी जो अपने सामने साइड पे एक शेक था वहाँ पे भी एक बंदा था। फिलहाल मैंने यहाँ पे सोचा कि जोन बनने का वेट कर लेता हूँ, लेकिन यार जोन अभी जो था अपने से वापस से शिफ्ट हो जाता है। अब यार ये वाली जगह मेरे को लगी थी कि शायद से जोन के अंदर, लेकिन जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो यार अभी अपने को और जोन के अंदर जाना था। तो भी यार यहाँ पे मेरे को छोड़ के टोटल 3 बंदे लगे थे, तो एक बंदा तो मेरे को पता था अपने राइट साइड में UMP वाला है, लेकिन अभी यार यहाँ पे सामने वाली साइड से AKM से कोई और बंदा ये UMP वाले बंदे को फिनिश कर देता है। अभी यार यहाँ पे मेरे को पता था इस बंदे की जो पोजीशन अभी जोन के अंदर है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन यार जिस AKM वाले बंदे ने इस बंदे को फिनिश किया था उसका भी मेरे को पता था यार ये बंदा सामने स्मोक वाली साइड पर कहीं पर, तो एक रैंडम मैं सामने वाले बंदे का व्यू ब्लॉक करने के लिए एक और स्मोक कर देता हूँ। अब यार यहाँ पे जो राइट साइड वाला बंदा था ये तो अपने को सामने स्पॉट हो जाता, अभी बंदा एकदम प्यार से उठ के जोन के अंदर आके लेटता है। तो अभी यार यहाँ पे मेरे को छोड़ के सिर्फ एक और लास्ट बंदा लाइव था, जिसका कि मेरे को आइडिया था कि ये बंदा भी सामने वाली साइड पे कहीं पे हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे मैं जोन के क्लोजिंग होने का वेट कर रहा था, लेकिन अभी के लिए तो ये वाला बंदा मेरे को स्पॉट हुआ नहीं था। अब यार यहाँ पे अपने ऊपर मैं एक और स्मोक कर रहा था, तभी हल्का सा सामने वाली साइड पे वो बंदा मेरे को लेटा हुआ स्पॉट हो जाता है। तो यहाँ पे एक मैं नेट पिन करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार नेट मैं देख रहा था यार उतनी दूर तक जा ही नहीं रहा है, क्योंकि यार नेट जो था अपना लो टॉस पे था, तो वापस इसको पहले हाई टॉस पे करता हूँ, इसके बाद मैं नेट पिन करता हूँ। लेकिन अभी सामने वाला बंदा मेरे को लगा मे बी उसने पोजीशन चेंज कर लिया, क्योंकि बंदा मेरे को स्पॉट होता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, बंदा अभी भी सामने वहीं पर लेट रखा था, हल्का सा वापस से मेरे को बंदा स्पॉट होता है। तो लास्ट वाला बंदा भी यहाँ पे एकदम इजी पहले नेट से फिनिश हो जाता है। बाकी यार ये वाले गेम में अपने को 30 का प्लस मिल गया था। तो फिर ऐसे ही 69 IQ वाले ग्रेनेड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक भी जोर से कर देना। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।